नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश और आप जुड़े हैं नैतिक आलोचक से। आपको तो पता है कि आजकल खालिस्तानियों की क्या स्थिति है। खालिस्तानी वो जो अलग देश की मांग करते हैं और जिन्होंने कनाडा को, यूएस को, ऐसे कई यूरोपीय देशों को अपना अड्डा बना रखा है। पर इनका एक स्कैम सामने निकल कर आया है। स्कैम भी कैसा, कोई ऐसा वैसा स्कैम नहीं। मोस्टली पंजाब प्रांत के जो लोग हैं वो कनाडा जाते हैं, वो यूके जाते हैं और वहाँ पे जाके कहते हैं कि हम तो भारत से सताए हुए हैं, हम भारत के किसान हैं और हमें भारत में खालिस्तान देश का समर्थन करने पे बहुत परेशान किया जा रहा है, अतः हमें कनाडा, यूके, ब्रिटेन इनकी नागरिकता दे दी जाए। और जो यूके की गवर्नमेंट है वो इनको नागरिकता दे देती है इस बिहाफ पे, क्योंकि वो बताते हैं कि हम किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं, हम खालिस्तान का समर्थन करते हैं, वहाँ कोई डेमोक्रेटिक नहीं है, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमारी जान को खतरा है। और वो ये भी कहते हैं कि हम गे हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब यूके की एक न्यूज एजेंसी डेली न्यूज ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और उसने अपने एक पत्रकार को वहाँ पे यूके में जो है वहाँ के वकीलों के पास भेजा। जब उस पत्रकार ने नागरिकता की मांग की तो वहाँ के वकीलों ने उसे ये हथकंडे बताए। उन्होंने कहा कि आपको सिर्फ खालिस्तान ग्रुप में शामिल होना है, आप भले ही खालिस्तान का समर्थन ना करते हो लेकिन मीडिया में जोर जोर चिल्लाना है कि हम खालिस्तान का समर्थन करते हैं, इसलिए भारत हम पे जो है हमला कर सकता है, अतः हमें जो है नागरिकता दे दी जाए। और इस तरीके से वहाँ पे बहुत से लोगों ने नागरिकता ले रखी है जिसकी वजह से खालिस्तानी समर्थक बढ़ते जा रहे हैं, जबकि इस खालिस्तानी समर्थकों की वजह से जो अच्छे पंजाबी, सिंधी पंजाबी भाई बहन हैं वो बदनाम हो रहे हैं। इस बात को यूके की गवर्नमेंट ने भी बहुत हाईलाइट किया है, ऋषि सुनक ने भी हाईलाइट किया है कि इस तरह से भारत से लोग माइग्रेट होके आ रहे हैं और यहाँ पे नागरिकता ले रहे हैं, जिस पे डेली न्यूज पे एक पूरा आर्टिकल निकला है। तो अब वहाँ की गवर्नमेंट भी इस बात को जान चुकी है। तो अब देखते हैं खालिस्तान का वोट किस करोड़ बैठेगा, यह तो आगे समय पर ही निर्भर है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को देखते रहें। वंदे मातरम, जय हिंद।